अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है जी कि आप लोग सब ठीक होंगे। अच्छा, आज मैं जिस प्रोडक्ट का रिव्यू देने लगी हूँ ना, इसकी वीडियो मैंने एक बार पहले शेयर की थी जब मैंने ये ऑर्डर किया था फ़र्स्ट टाइम, तो तब इसकी ना अनबॉक्सिंग की वीडियो मैंने आप लोग के साथ शेयर की थी। तो आज मैं इसे यूज़ करने के बाद इस पर डिटेल रिव्यू देने लगी हूँ, तो इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप लोगों को वीडियो लास्ट तक देखनी पड़ेगी, दिल पे पत्थर रख के। कोई बात नहीं, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेना मुझे। अच्छा जी, ये है नरन मीर का सन ब्लॉक विथ स्किन लाइटनिंग एजेंट। ये SPF 75 है और 30 ग्राम की ये ट्यूब पैकेजिंग में आपको मिल जाएगा। इसकी ना मुझे पैकेजिंग बड़ी प्यारी लगी थी, ब्लैक थीम में, ब्लैक वाइट और रेड थीम में इसकी पैकेजिंग बड़ी प्यारी लगी थी मुझे ना, अट्रैक्टिव लग रही थी काफ़ी। अच्छा, अब ये क्या क्लेम करते हैं जी कि ये UVA, UVB और इंफ्रारेड रेज से आपकी स्किन को प्रोटेक्शन देता है। उसके बाद जी यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये वाटर रेजिस्टेंट है, ये नॉन ग्रीसी है, हाइपोएलर्जेनिक है और हाईली रिकमेंडेड फॉर पोस्ट लेज़र थेरेपी है। पोस्ट लेज़र थेरेपी से मुराद है जी कि ये डर्मेटोलॉजिकली प्रूवन है और अक्सर डर्मेटोलॉजिस्ट या स्किन स्पेशलिस्ट इसको रिकमेंड करते हैं। क्यों? क्योंकि लेज़र के बाद, लेज़र आप लोग जो हेयर रिमूवल के लिए करवाते हो ना ट्रीटमेंट के तौर पे, ये उस लेज़र की बात हो रही है। उसके अलावा अगर आपने अपने फेस पर कोई स्किन लिफ्टिंग ट्रीटमेंट करवाया हुआ तो उसके लिए भी ये रिकमेंडेड होता है। इसका मतलब ये है कि अगर इतने हैवी ट्रीटमेंट्स के बाद अगर इसको रिकमेंड करते हैं जो कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं या डर्मेटोलॉजिस्ट जो हैं, तो जाहिर सी बात है इसमें कोई ना कोई तो ऐसी बात होगी। और ये पीछे से आने वाली आवाज़ों को अगेन इग्नोर कीजिएगा आप लोग, बस मेरी खूबसूरत और हसीनो जमील आवाज़ पर गौर करना। अच्छा, अब ये कहता है कि ये ना क्लेम करते हैं कि ये एक वाइटनिंग सन ब्लॉक है, तो सन ब्लॉक के साथ वाइटनिंग किस तरह हो सकती है वो अभी मैं आपको इसकी बैक साइड पे जाएंगे जब हम, तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो इस 30 ग्राम की ट्यूब की हम अगर बात करें ना, इसके प्राइस की बात करें तो जी इसकी प्राइस है 500 रुपीज़, कहीं पे 540 है और कहीं पे 560 है। इस मतलब अंडर 600 रुपीज़ ही आपको मिल जाता है किसी भी ऑनलाइन फार्मेसी से। यहाँ लोकल फार्मेसी से मैंने काफ़ी पता करवाया था, मुझे तो नहीं मिला कहीं से, आप लोग पता कर लेना। इसीलिए मैंने फिर से अगेन ऑर्डर किया था ऑनलाइन। तो ये बड़ी प्यारी सी इसकी पैकेजिंग है, इसकी कलर स्कीम ना मुझे बड़ी अट्रैक्टिव लगी। तो कलर स्कीम का खैर हमने अचार तो नहीं डालना, कलर स्कीम का हमें क्या फ़ायदा। अब हम आते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। इंग्रेडिएंट्स जी, इसमें पार्सल पाया जाता है जिंक ऑक्साइड, अगेन वही जो हर एक सन ब्लॉक में पाया जाता है, जो सन ब्लॉक्स का एक की इंग्रेडिएंट होता है वो इसमें पाया जाता है। अब ये क्या क्लेम करते हैं कि ये ना आपकी हाइपर पिगमेंटेशन को भी क्योर करता है और रेडियंस देता है आपको, आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाता है, प्रिवेंट्स रिंकल्स एंड डिलेज एजिंग, ये आपके रिंकल को दूर करता है। उसके अलावा जी आपकी जो एजिंग का प्रोसेस होता है उसको स्लो डाउन करता है। वो किस तरह से स्लो डाउन करता है, जाहिर सी बात है जब आपका मुंह सूरज की रेस से बचेगा, प्रोटेक्ट रहेगा, तो अल्टीमेटली आप लोग रिंकल फ्री आपकी स्किन रहेगी। बेसिकली हमारे मुंह पर रिंकल्स क्यों पड़ते हैं, क्योंकि हम लोग सन ब्लॉक अप्लाई नहीं करते, हम लोग दे दनादन हम लोग करते हैं, वाइटनिंग सीरम्स अप्लाई करेंगे या वाइटनिंग क्रीम्स अप्लाई करेंगे, लेकिन जब बात आती है सन ब्लॉक की तो यहाँ पे हम लोग डंडी मार जाते हैं कि कौन सा कोई इतना अहम जुज़्व है जी हमारी स्किन केयर का। ठीक है, घर में ना लगा कर फिरा करो अगर आप लोगों को कुछ इसमें मतलब हैवी फील होता है, लेकिन हाँ जब हम लोग बाहर जाते हैं या कभी छत पे जाओ या कुछ भी इस तरह से सीन हो जहाँ पे आप लोगों का डायरेक्टली सन एक्सपोजर हो, तो वहाँ पे आपने लाजमी लगाना। अच्छा, आप लोगों ने ये पढ़ा होगा इस पे कि लिखा हुआ है कि इसको स्पेशली एट नाइट यूज़ करना चाहिए, लेकिन जी मैं इसे नहीं कहूँगी आपको कि आप लोगों को एटलीस्ट 4 times a week स्पेशली एट नाइट, मतलब वीक में 4 बार आपने इसको ना रात में भी यूज़ करना है एज अ नाइट क्रीम, लेकिन मैं इसे एज अ नाइट क्रीम रिकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि इसमें जिंक ऑक्साइड पाया जाता है जो कि सिर्फ आपको सूरज की रेज से प्रोटेक्शन देता है। रात में लगाना इसका मुझे ना बड़ा एक बेतुका सा और बेकार सा ही फील हुआ है, तो रात को आप लोग ना लगाना इसको, ये सिर्फ आपको दिन में ही यूज़ करना चाहिए एज अ सन ब्लॉक। अगर आप लोग वाइटनिंग क्रीम आपने लगानी है तो वो आप लोग सेपरेट से लेना, ये ना करना कि एक सन ब्लॉक खरीद लो, दिन में भी उसी कोई लगाओ, रात में भी उसी कोई लगाओ, तो जी ये सिर्फ आपको दिन में यूज़ करना चाहिए। पैकेजिंग की बात करें तो पैकेजिंग ये बड़ी प्यारी सी ब्लैक सी ट्यूब में पैकेजिंग
पैकेजिंग इसकी ब्लैक ट्यूब में मिलेगी आपको। और ये मैंने ना यूज़ मेरी स्किन पे सन ब्लॉक इतना बुरा एक्सपीरियंस रहा है ना मेरा हर सन ब्लॉक के साथ, मुझे कभी कोई सन ब्लॉक नहीं सूट किया, इतने महंगे महंगे मैंने सन ब्लॉक्स यूज़ करके देखे। लेकिन ना मैंने जब ये यूज़ किया, आप लोग भी कह रहे होंगे कि ट्यूब तो बिल्कुल नवीन अकोड है, ये कही जा रही है कि मैंने यूज़ किया, तो उसके लिए मैंने आप लोग को ये ट्यूब दिखाई। आप लोग देख सकते हैं कि इसमें से मैंने काफ़ी अच्छा खासा यूज़ कर लिया। वह थोड़ा सा ही रह गया था तो मैंने फिर दोबारा परचेज़ कर लिया कि चलो मतलब कहीं आउट ऑफ स्टॉक ना हो जाए, क्योंकि ये वाला जो सनब्लॉक है ना ये अक्सर आउट ऑफ स्टॉक ही रहता है। तो इसे मैंने यूज़ किया, मेरी स्किन बहुत बेतहाशा और शदीद किस्म की ऑयली है, लेकिन मुझे ना कोई भी पिंपल नहीं हुआ इससे या कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ इससे। तो इसका मतलब अगर मेरे जैसी स्किन को सूट कर गया ना तो फिर आप लोगों को तो ये सूट कर ही जाएगा। और मैंने ये इसलिए भी प्रेफर किया क्योंकि इसमें एक तो SPF 75 पाया जाता है और पाकिस्तान की गंदी वाली जो गर्मी है ना उसके लिए 75 से नीचे तो कोई भी सनब्लॉक हमें लेना ही नहीं चाहिए। तो जी मेरी तरफ से बिल्कुल रिकमेंडेड है। अगर आपकी ऑयली स्किन है, फ्रेग्रेंस से आपको एलर्जी है और बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी आप लोग इसे ज़रूर परचेज़ करना और यूज़ करना। और हाँ एक और बात कि आप लोगों ने अगर कभी बाहर जाना हो तो हाँ ये वाइट कास्ट देता है थोड़ी बहुत, तो आप लोगों ने अगर बाहर जाना हो तो आप लोग इसे लगा कर ऊपर फेस पाउडर से सेट कर लेना। अगेन ये बीबी क्रीम का भी काम करेगा और आपका रंग बड़ा चिट्टा चिट्टा सा गोरा गोरा सा लगेगा बगैर किसी बीबी क्रीम को अप्लाई किए हुए। इसके आप ऊपर आप लोग टिंट या ब्लशन भी लगा सकते हो, लेकिन वही जो रूल होता है सन ब्लॉक का कि आपने इसको सन एक्सपोजर से 20 से 30 मिनट पहले अप्लाई करना। ये नहीं करना कि अभी बाहर जाना है तो सन ब्लॉक लगा लिया फिर 2 मिनट बाद मुँह उठा के बाहर चले गए, तो ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना, वरना इतना आपका सन ब्लॉक पे इतने पैसे ज़ाया करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये तब तक आपको प्रोटेक्शन नहीं देगा जब तक आप इसे 20 से 30 मिनट पहले अप्लाई नहीं करेंगे। तो बात करता रिकमेंडेशन की जी, तो मेरी तरफ से ये आपको टोटली रिकमेंडेड है।